हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एएमई 30% कोटा के लिए, जो ईसीओआर ईस्टर्न कोस्ट रेलवे द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था ऑन द डेट 20 सितंबर 2019 को, तो उसमें पूछे गए फाइनेंशियल रूल्स पर जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोर्ड पे मैंने टोटल 13 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिनको हम बारी बारी से वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर डिमांड बेस्ड आए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, तो उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं तो कवर हो गए हैं, तो एक बार फिर से हम उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डिमांड कवर्स एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW। क्योंकि यह पेपर AME के लिए है, AME पोस्ट के लिए है, तो इसमें CNW का पूछना लाजमी है। तो इसका आंसर, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिमांड नंबर 3 जो है तो ग्रुप 2 के अंतर्गत आती है, जिसमें ऑडिट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कवर होते हैं, और डिमांड नंबर 4 जो होती है वह रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पीवे का मेंटेनेंस, परमानेंट वे का मेंटेनेंस डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत आता है। डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत जो है मोटिव पावर यानी लोकोमोटिव का जो मेंटेनेंस आता है वो कवर होता है। डिमांड नंबर 6 जो है उसके अंदर जो है कैरेज एंड वैगन का मेंटेनेंस आता है। तो डिमांड नंबर 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट परचेज। तो प्राइमरी यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर किस लिए हो रहा है, व्हाट इज व्हाई एक्सपेंडिचर इज डूइंग सो। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट परचेस में एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो प्राइमरी यूनिट्स नंबर है वह क्या है, 28, दैट इज 28। 32 इज फॉर, 32 किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ओके, नेक्स्ट इज OLWR। OLWR स्टैंड फॉर व्हाट, OLWR स्टैंड फॉर, ऑप्शन दिया हुआ ओपन लाइन वर्क्स रिजर्व्स, ऑनलाइन वर्किंग रेवेन्यू, ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, ऑनलाइन वर्क्स रेवेन्यू। तो इसका आंसर दैट इज ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू। नेक्स्ट इज डिमांड यूज टू डील विद द POH ऑफ MU, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, POH। तो POH कौन करता है, वर्कशॉप करता है। तो यहाँ पे एक तरह से पूछा गया है कि जो रिपेयर एंड जो डिमांड है, कौन सी डिमांड है जो कि एमयू वर्कशॉप एमयू के लिए जो है तो POH करता है, उससे रिलेटेड है। 5, 6, 8, 7 मैंने जैसे आपको बताया है, 5 नंबर का डिमांड जो है वह मोटिव पावर के लिए है, 6 नंबर का डिमांड जो है कैरेज एंड वैगन के लिए है, 8 नंबर का डिमांड जो है वह ऑपरेशन से रिलेटेड है, दैट मीन्स व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रोलिंग स्टॉक और इक्विपमेंट्स के लिए कवर होते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और जो डिमांड नंबर 7 है दैट इज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका आंसर होगा डिमांड नंबर 7। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लान हेड्स डू वी हैव। तो अभी हमारे इसमें टोटल जो माइनर हेड्स और प्लान हेड है टोटल 27 है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको आप प्लीज़ देखिएगा और बार बार देखिएगा। नेट रेवेन्यू, व्हाट इज नेट रेवेन्यू, तो नेट रेवेन्यू इज नथिंग बट अ ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। नेट रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज व्हाट, ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू अर्निंग इज कॉल्ड व्हाट। इसके बारे में बहुत चर्चा थी पेपर में, जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप कई बार पढ़ते होंगे, आपकी जो रेलवे का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग रेशियो है, वो काफ़ी कम हो गया, तो इन सब को लेके काफ़ी चर्चा थी। तो अमाउंट स्पेंट ऑन एवरी रुपी अर्न्ड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेशन में जो एक तरह से हमने जितना लगाया और हमें जो हमारे लगाने पर हमें कितनी मिली लागत, लागत लगाने पर हमें कितना फ़ायदा हुआ, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। डिमांड नंबर 10 यूज फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट। डिमांड नंबर 10, जैसे कि बताया मैंने 8, 9 और 10, जो डिमांड नंबर 8, 9, 10 है वह ऑपरेशन रिलेटेड है, ग्रुप नंबर 4 में आता है।
तो डिमांड नंबर 8 जो है वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, किस पर? रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट पर, डिमांड नंबर 8 हो गया। डिमांड नंबर 9 किस पर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक, तो पहला रोलिंग स्टॉक, दूसरा ट्रैफिक, और तीसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। तो डिमांड नंबर 10 जो हो गया, डिमांड नंबर 10 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, किस पे होगा? फ्यूल पे। नेक्स्ट इज ऑडिट पैरा इज स्क्रूटिनाइज बाई, ऑडिट पैरा किसके द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाता है? तो आरसीसी और पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो ऑडिट पैरा होता है दैट इज स्क्रूटिनाइज बाई बोथ। नेक्स्ट इज कोडल लाइफ ऑफ आईसीएफ कोचेस, तो आईसीएफ कोचेस का जो कोडल लाइफ होता है कितना होता है? 25 ईयर्स। नेक्स्ट इज फंड यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड एसेट्स, तो यहाँ पे ओवर एज्ड एसेट्स जो होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और डीआरएफ का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसके लिए, ओवर एज्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट्स के लिए डीआरएफ फंड यूज होता है, एलोकेट होता है। नेक्स्ट है फंड रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए जो है मेनली कैपिटल फंड्स यूज करते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी, तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चार कैनन्स हैं यहाँ पे, जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, जो पब्लिक मनी है उसका कितना वाइज तरीके से या इकोनॉमिकल यूज़ किया जाए, तो इन इनको लेके जो है एक तरह से है कि पब्लिक मनी जो है इज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन्स, पब्लिक मनी जो है इज अ बेनिफिट ऑफ पर्सन्स, है ना। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन डिमांड, शुड नॉट बी ग्रेटर देन डिमांड, एक्सपेंडिचर उतना ही होना चाहिए, है ना, डिमांड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी यूज फॉर योर ऑन बेनिफिट्स, ओके। तो एक तरह से जो एक्सपेंडिचर है वह स्वयं के बेनिफिट के लिए जो है तो नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक मनी हो गया है ना उसका खुद का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। टी ए शुड नॉट बी सोर्स ऑफ इनकम, तो पब्लिक मनी इज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन, दिस इज अ रॉन्ग। टी ए शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे एक तरह से बोले अगर तो जितने भी अलाउंसेस हैं है ना, नॉट पर्टिकुलर टी ए, ये सभी अलाउंसेस जो हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, ओके। तो एक तरह से सॉरी, पब्लिक मनी इज अ बेनिफिट ऑफ पर्सन्स, ओके। टी ए शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ इनकम, टी ए को केवल केवल टी ए की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, और भी अदर अलाउंसेस जो हैं वो ऐसे मतलब इसका एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसा रेगुलेट करना चाहिए कि जो अलाउंसेस हैं उनको ऐसा ना लगे कि वो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही उसका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से हमने टोटल जो है 13 क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आए हुए थे उनको देखा, और एक एक बार मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगा कि आप डिमांड जो भी हैं 16 डिमांड्स हैं उनको आप ज़रूर देख के जाएं, तो जिनको एक तरह से हम अगर एक बार रिवाइज करें तो डिमांड नंबर 1 है रेलवे बोर्ड से रिलेटेड है, डिमांड नंबर 2 जो है मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स को लेके है, डिमांड नंबर 3 ऑडिट को लेके है, डिमांड नंबर 4 जो है जो कि ग्रुप 3 में डिवाइड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेके है, डिमांड नंबर 4 पीवे से है, डिमांड नंबर 5 मोटिव पावर से है, डिमांड नंबर 6 जो है तो सीएनडब्ल्यू से है, डिमांड नंबर 7 जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट से है, डिमांड नंबर 8 जो है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स, डिमांड नंबर 9 जो है वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक, डिमांड नंबर 10 जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, डिमांड नंबर 11 जो है वह स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज को लेके है, डिमांड नंबर 12 जो है मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस को लेके है, डिमांड नंबर 13 जो है तो पीएफ पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके है, डिमांड नंबर 14 अप्रोप्रिएशन टू फंड्स है, डिमांड नंबर 15 जो है डिविडेंड है, और डिमांड नंबर 16 जो है वह एसेट्स एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट्स इसको लेके है, जिसके लिए डीएफ डीआरएफ कैपिटल फंड ये सब जो है तो एलोकेट किया जाता है।
तो इस तरह से टोटल 16 डिमांड्स हैं, उनको हम भी हमने एक बार क्विकली रिवाइज करा। तो वीडियो को बार बार देखें, और अगर हमें हमारे कंटेंट्स वीडियो में आपको अच्छे लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है नॉलेज गेन करने के हिसाब से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप कोई नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।